सभी को राम राम मेरे भाइयों। तो स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विनबज एप्लीकेशन या विनबज आप साइट बोल लीजिए, इसने अपना विड्रॉल प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज किया है। तो काफ़ी सारे बंदों ने मेरे पास कमेंट किया कि भाई जो नया विड्रॉल प्रोसेस है उसमें एक पासवर्ड मांग रहा है, वो क्या चीज़ है, या वो पासवर्ड वो लोग नहीं बना पा रहे हैं बेसिकली। तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि विड्रॉल जो पासवर्ड है जो मांग रहा है उसको बनाना कैसे, और जो नया विड्रॉल प्रोसेस है बेसिकली उसको हम लोग पूरा इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और चैनल को ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट किसी भी टॉपिक पे आता है तो कमेंट कर जरूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि रिप्लाई दे सकूँ। और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, अगर मुझे जेन्युइन लगेगा तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर इसी चैनल पर डाल दूंगा। चलिए आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। और तो बात करते हैं जो विनबज साइट ने अपना विड्रॉल प्रोसेस चेंज किया है उसमें क्या क्या करना होगा हम लोगों को दोबारा से विड्रॉल लेने के लिए। तो देखिए हुआ क्या, जब आप पहले विड्रॉल करते थे तो सिंपल आप विड्रॉ के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करते थे और आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता था। बट अब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इधर पर क्या होता है, आपसे पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन आता है। बट काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनको पासवर्ड डालना है, मतलब कि वो पहले से पासवर्ड बनाकर भूल चुके हैं। ऐसा नहीं है भाइयों, आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है, विड्रॉल पासवर्ड, जिससे कि जब आप विड्रॉ करेंगे तो आपको ये पासवर्ड भी डालना होगा। तो काफ़ी सारे बंदे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमने पासवर्ड पहले से बना के रखा है और वो पासवर्ड हमको डालना है। भाइयों ऐसा नहीं, हमको नया पासवर्ड एक बनाना है जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया। तो करना क्या है आपको, सिंपल आपको एक पासवर्ड बना लेना है और कन्फर्म पासवर्ड कर सेव कर देना है। तो देखिए मेरे भाइयों, पासवर्ड बनाते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखनी कि जो पहला लेटर रहेगा उसको आपको कैपिटल रखना है और जो भी आप रखना चाहते हैं पासवर्ड वो आपको सिंपल डाल देना है और एक एज द रेट का यूज़ आप कर लेना, तो जिससे कि पासवर्ड आपका गलत नहीं बताएगा, ठीक है ना। तो दोबारा से हमने जो पासवर्ड बनाया है उसको एक बार कन्फर्म कर देना है। आप जब पासवर्ड कन्फर्म कर देंगे उसके बाद जो आपने पासवर्ड ऊपर डाला था बेसिकली सिंपल सा नीचे वही पासवर्ड रख के, और आपको सिंपल ये यहाँ पर एक सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, सेव और क्लोज, तो आपको सिंपल सेव पर क्लिक कर देना, आपका ये पासवर्ड बनके रेडी हो जाएगा। देखिए जब आपका ये पासवर्ड बन जाएगा, देखिए आपका यहाँ पर लिख के आ गया पासवर्ड एडिट सक्सेसफुली। तो ये आपने एक पासवर्ड अपना बना लिया है, विड्रॉल पासवर्ड इसको हम लोग बोलेंगे। उसके बाद आपको पुराना वाला प्रोसेस दोबारा से यूज़ करना, अपनी सारी बैंक की डिटेल्स डाल देनी है, नेम डालना, अकाउंट नंबर डालना, IFSC कोड डालना है। उसके बाद जो आपने विड्रॉल पासवर्ड अभी अभी बनाया है जस्ट उसको यहाँ पर डालना है, ठीक है ना। यही लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही थी, वो सोच रहे थे कि विड्रॉल पासवर्ड हम लोग जो बना रहे हैं उसका क्या यूज़ है। तो भाइयों जब आप पैसा विड्रॉल करेंगे बैंक की डिटेल्स के साथ, बैंक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको विड्रॉल पासवर्ड भी डालना होगा। तो उसको सिंपल आप यहाँ पर जब डाल के सेव कर देंगे उसके बाद वही पुराना वाला सिस्टम चलेगा जैसा पहले हुआ करता था, कि आप जितने रुपए आपको विड्रॉल करने हैं सिंपल बैंक की डिटेल्स ऐड कर दीजिए, आपका एक बार ऐड हो जाए, उसके बाद आपको जितना भी रुपए विड्रॉ करना है सिंपल अमाउंट फिल करिए और आपका पैसा आपकी बैंक अकाउंट में आधे से एक घंटे के बीच में आ जाता है बड़े आराम से। तो देखिए ये सब मैंने पहले बता रखा है पिछले वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखा तो आप सिंपल जाके वीडियोस देख लीजिएगा। इस वीडियो में मेरे पास रुपए नहीं है कि मैं आपको विड्रॉ कर दिखा सकूं, बट वो आप मुझे पता है, सिर्फ आपको विड्रॉल पासवर्ड क्रिएट करने में जो दिक्कत थी वो मैंने सॉल्व कर दी है बस, और मुझे पता है बाकी आप लोग कर लेंगे। अगर ये डाउट आपका क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक कर जाइएगा और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसके बारे में कमेंट कर दीजिए, अगर पॉसिबल होगा तो मैं वीडियो बनाकर ज़रूर डाल दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।